कांग्रेस पार्टी ने टिकटां नूं लै के कीता वड्डा ऐलान। एक परिवार दे एक मेंबर नूं ही मिलेगी टिकट। जिथे एक पासे वक-वक पार्टी नेतावां वल्लों चोणां दे मद्देनजर झूठे वादे किते जा रहे ने, उत्थे ही सूबे अंदर नौकरियां दे मुद्दे ते वक-वक मुलाजम धरनियां ते बैठे होए ने। मुलाजमां दा कहना है कि राजनीतिक परिवारां दे बंदियां नूं ही आखिर नौकरियां क्यों मिलदियां ने, इन्हां दे बंदियां नूं ही चोणां लई टिकटां क्यों मिलदियां हमेशा। किसी पढ़े लिखे नौजवान नूं सरकार टिकटां वेले अहमियत क्यों नहीं दिंदी। पिछले काफी समय तो यह मुद्दा भखिया होया ते इस मुद्दे नूं लै के चर्चावां भी कीतियां गईयां। लॉजीज दे मद्देनजर टिकटां दे कांग्रेस दे महामंथन विचाले चोण प्रचार ते रणनीति घड़ी गई है। संकेत दिते गए ने कि दिसंबर दे आखरी हफ्ते राहुल गांधी पंजाब विच चोण बिगुल वजा देणगे। इस दे नाल ही सांझी लीडरशिप दी अगवाई हेठ चोण लड़न दी गल भी आखी गई है। खास गल ए है कि पंजाब विधानसभा चोणां 2022 च कांग्रेस इक परिवार नूं इक ही टिकट देवेगी। दिल्ली च देर रात तक चली स्क्रीनिंग कमेटी दी मीटिंग च इह वड्डा फैसला लै लिया गया। पंजाब दी सारी 117 विधानसभा सीटां उत्ते चर्चा हुई है। दिल्ली च पंजाब कांग्रेस दा महामंथन होया। कैंपेन कमेटी दी मीटिंग तो बाद हुई स्क्रीनिंग कमेटी दी बैठक च टिकटां ते चोण रणनीति ते चर्चा भी हुई। इस मीटिंग विच पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत चन्नी, कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू, साबका कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ अते कुछ होर उगियां शख्सियतां भी हाजिर रहियां। इस मीटिंग विच जिथे टिकटां तो लै के चोण रणनीति ते चर्चा हुई, उत्थे ही खास गल जिहड़ी सामने आई है ओह इह है कि इस वारी सिर्फ एक परिवार दे एक मैंबर नूं ही विधानसभा चोणां 2022 दौरान टिकट दित्ती जाएगी। चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।